शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो तीन टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की पांच लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये पांच लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज।